तीसरा मून मिशन चांद पर उतरने को तैयार है। भारत स्पेस एजेंसी ने इसकी घोषणा कर दी है। चंद्रयान 3 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे चांद पर रवाना किया जाएगा। इसरो के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसी योजना बनाई गई है तो भारत स्पेस के क्षेत्र में इतिहास रच जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आइए जानते हैं कि चंद्रयान कब कब लॉन्च किया गया और उसकी लॉन्चिंग कितनी सफल रही है। पहला चंद्रयान इसरो से 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। इसमें लगभग 22 दिन बाद यानी 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान का मून इंपैक्ट प्रोब उससे अलग हो गया। उस समय चंद्रयान चांद से 102 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा था। वह 6100 प्रति घंटे की रफ्तार से गिरकर चांद की सतह से टकराया था। टकराव से मून इंपैक्ट प्रोब ध्वस्त हो गया, लेकिन इससे पहले उसने अपना काम कर दिया था। इससे मिले डेटा का विश्लेषण करने के बाद इसरो ने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शेक्टलेन क्रेटर में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। इस खोज की पुष्टि नासा ने भी की है। मून इंपैक्ट प्रोब देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की सोच का नतीजा था। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को दूसरा चंद्रयान लॉन्च किया गया, लेकिन इसका लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह विफल हो गया, जिसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है। अब 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे इसरो द्वारा तीसरा चंद्रयान लॉन्च किया जा रहा है। यह चंद्रयान 2 का ही अगला प्रोजेक्ट है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 2 से सीख लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर परीक्षण करेगा। इसमें लैंडर और रोवर है। ये चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा। इस मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। मुख्य रूप से उन सभी वजहों पर ध्यान दिया जा रहा है जिनके कारण चंद्रयान 2 विफल हो गया था। बता दें कि 2148 का ये मॉड्यूलर चंद्रयान के लैंडर और रोवर को चंद्रमा की ऑर्बिट में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ेगा।